सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रांची सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन पद्मश्री हंसराज हंस चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर बैठक की। बैठक के बाद हंसराज हंस ने बताया कि उनका मकसद है कि सभी सफाई कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आए। मीडिया से बात करते हुए हंसराज हंस ने बताया कि उनके इस मुद्दे पर अधिकारियों से लंबी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए बीमा पॉलिसी लाने पर विचार हो रहा है, साथ ही उनके लिए आधुनिक उपकरणों की भी जरूरत है ताकि उनको बीमारी से बचाया जा सके। बहुत सारे सफाई कर्मचारियों के संगठनों नाल मिले, उन्हां दी प्रॉब्लम सुनिया और उस तो बाद सारे ऑफिसर साहबान आए चंडीगढ़ दे और बड़ी पॉजिटिव गोष्ठी हुई है। उन्हां दीयां प्रॉब्लम्स बड़ियां जेन्युइन है, बहुत सारे पॉइंट्स ने वो डिस्कस होए आ। मैं यही अर्ज कीती है सारे ऑफिसर साहबान नूं कि प्रधानमंत्री साहब चाहुंदे आ सब दा साथ सब का विकास स्वच्छ भारत, और सब तो मुश्किल जॉब जो करने वाला माशरा समाज है उन्होंने उन्होंने बनते हक उन्होंने जिंदगी जीवन जिंदगी आसान करने उन्होंने उन्होंने बनता है रोजाना और उन्होंने फैसिलिटीज़ जितनी भी वो डिजर्व करते वो मिलनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए है, जिथे हर महकमे में ऑन ड्यूटी डैथ होंगी है बहुत सारा रोजाना जॉब्स मिलती, इन्हों का भी हक है, इन्हों भी मिलना चाहिए। डेली वेजिस से दस दस भी साल बंदे काम करते, उन्होंने को जे आई डी भी है नहीं गी, वो भी होना चाहिए। बहुत सारे सारे किते डिस्कस जी हो।